नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है शुभांकर और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शुभ कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, यहाँ बात होती है घर की, क्योंकि जो सुकून घर में है वो कहीं और नहीं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी प्लानिंग 1 से 3 मंजिल घर बनवाने की है तो आप अपने कॉर्डर्स में कितने नंबर आप स्टील बार प्लस कितने एमएम के स्टील बार दे सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक हमारी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको उसी कॉर्नर्स में जो हमारे रिंग्स होते हैं, जो हमारे सारे सरियों को आपस में टाई करके रखते हैं, वो हमें कितने एमएम के देने हैं, प्लस उसकी जो डिस्टेंस हमें रखनी है वो कितनी रखनी है। तो दोस्तों, बात कर ली जाए डायमीटर की, तो हमें वहाँ पर जो रिंग्स प्रोवाइड करने हैं वो हमें 8 mm के रिंग्स वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। दोस्तों, नोट कर लीजिए 8 mm के। अब बात कर ली जाए उसकी डिस्टेंस की, हमें एक रिंग से दूसरे रिंग का डिस्टेंस वहाँ पर कितना रखना है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे हमारे कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आपको जो वहाँ पर डिस्टेंस रखना है वो रखना है 6 इंची सेंटर टू सेंटर। आपको एक रिंग से दूसरे रिंग की डिस्टेंस जो रखनी है वो रखनी है 6 इंची। अगर आप सही जानकारी के तहत अपना घर बनवाएंगे तो आपका घर में नुकसान कम से कम होएगा और आपका घर अच्छा बनेगा और सुरक्षित बनेगा। ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।